Hello everyone, this is Ritu Badwal and welcome you all on my channel that name is Let's Start. कल हमने homosporous pteridophytes के बारे में बात किया था, आज हम discuss करेंगे about heterosporous pteridophytes. मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 9 heterosporous pteridophytes जो है पाए जाते हैं और बाकी सब कैसे होते हैं homosporous. तो हम heterosporous pteridophytes के नाम लिखेंगे. हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में एक है पहला हमारा सिलेजिनिला, सेकेंड हमारा है आइसोआइटिस, थर्ड इज वो मार्शिलिया, फोर्थ इज साल्विनिया, फिफ्थ है हमारा एजोला, सिक्स्थ है हमारा फिलेरिया, सेवेंथ हमारा है, फिर नेक्स्ट है हमारा रेग्निलिडियम, रेग्निलिडियम, एट अठवा हमारा स्टाइलाइटिस, स्टाइलाइटिस, नाइन है हमारा रिमिलेडियम स्टाइलाइटिस प्लैटिफोमा. ये नाइन्थ जो है हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है. स्टाइलाइटिस में ये स्पेलिंग इसकी TES है, स्टाइलाइटिस, रिमिलेडियम स्टाइलाइटिस एंड प्लैटिफोमा. ये नाइन जो हमारे हैं हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है. अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, डेवलपमेंट के बेसिस पे हम स्पोरेंजिया के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्पोरेंजिया आर टू टाइप्स, यूस्पोरेंजिएट एंड लैक्टोस्पोरेंजिया. हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे. इसको मिटाती नहीं हूँ मैं, इसी पे आगे कंटिन्यू करती हूँ. यूस्पोरेंजिया, यूस्पोरेंजिया जो होता है इसमें जो स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स में से होती है, मतलब स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. और जो लैक्टोस्पोरेंजिया होती है, लैक्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, सॉरी लैक्टो यूस्पोरेंजिएट एंड सेकेंड इज लैक्टोस्पोरेंजिएट. मतलब इसमें यूस्पोरेंजिएट में क्या होता है, स्पोरेंजिएट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बट इन लैक्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिएट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल. ये हमारा एडवांस टाइप का है, मगर ये दोनों ही क्या होता है, यूपीटीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है. तो हम इसको बारी बारी लिखेंगे. वीडियो चल रही है. जो यूस्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स स्पोरेंजिया डेवलप होती है, उसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम. और लेप्टोस्पोरेंजिएट के तीन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ड्रैक्टेरिस, टेरिस और मार्शिलिया. ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ. तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट on the basis of the development sporangia are following types. First is eusporangiate. इसमें मैंने क्या बताया, जो अ ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होती है स्पोरेंजिया, उस टाइप की स्पोरेंजिया को हम यूस्पोरेंजिएट कहते हैं. मीन्स स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब
ऐसी स्पोरेंजिया जो ग्रुप ऑफ सेल्स से बनती हो उसको बोलते हैं यूस्पोरेंजिया। इसका एग्जाम्पल तीन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेजिनेला एंड इक्विसेटा। इसमें ये पूछा जाता है कि लाइकोपोडियम यूस्पोरेंजिएट है, ऐसे पूछा जाएगा यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया इज, तो एग्जाम्पल दे देगा लाइकोपोडियम का, कि सिलेजिनेला का, कि इक्विसेटम का, तीनों दे दिया तो हम ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, और नहीं अगर कोई दूसरा एक कोई दिया और दूसरी चीजें दी तो हम उसमें इन तीनों में से कोई एक चूज कर लेंगे। दूसरा हमारा है लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट में हम लिखेंगे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये एडवांस है अ सिंगल सेल। इसके एग्जांपल तीन मैं लिखवा रही हूँ, टेरिडियम, सेकेंड इज टेरिस एंड थर्ड मार्शी, ये तीन है, सॉरी टेरिडियम नहीं है, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये तीन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।